साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है पाकिस्तान के अंदर। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो बात सऊदी अरेबिया से शुरू करना चाहूंगा। My position on the Kashmir issue is very, very clear. I don't see that Pakistan is a suitable regarding Kashmir. I don't think they even have the right to speak. I believe it's Hindu land. My position is that Kashmir is Hindu land, and I say this in front of everyone. Pakistan ka Kashmiri awam ka bain al-aqwami biradari ka kya mauqaf tha ki ye jo kaam Modi ne 5 August 2019 ko kiya tha, वो गैर कानूनी और इक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी था। Absolutely. उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये सऊदीया में हो रहा है अपने मुसलमान भाई, सऊदी अरेबिया मुसलमान भाई, अच्छा मुसलमान मुल्क, हाँ जी, जहाँ हमारे मुकद्दस मकामात हैं, जिनको जिस मुल्क को बनाने में पाकिस्तानियों ने कितना अहम किरदार अदा किया, उनकी कंपनीज को, उनके मैनेजर सारे मैनेजमेंट को हमने किया। हाँ जी सर, वो दौर आ गया। सऊदी अरेबिया ने इंडिया का साथ दिया है, साफ नजर आ रहा है कि इस्लामी ममालिक का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ ज्यादा है पाकिस्तान की बजाय। अच्छा मुर्शद साहब, अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो आर्टिकल 370 एंड 35 ए एब्रोगेशन हो गई, कश्मीर को उन्होंने अपना हिस्सा अपने कानून के हिसाब से बना लिया। जो आलमी मंजरनामा है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में जमात इस्लामी वगैरह, इनको वोट शोट नहीं मिला। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के अंदर भी स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा, डेमोक्रेसी के लिए ये एक बड़ी फतह है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर की काफ़ी चर्चा हो रही है, न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी। और उसकी एक बड़ी वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी चुनाव का होना। लेकिन इसी के साथ साथ जो पाकिस्तानी मीडिया जम्मू कश्मीर पर जो चर्चा करती है, तो वो अपने एक धर्म के नज़रिए से चर्चा करती है। और ख़ासतौर से क्योंकि यहाँ पर मुसलमान की संख्या ज़्यादा है कश्मीर के अंदर, जिनको कि पाकिस्तानी मीडिया अपने प्रोपेगेंडा के थ्रू भड़काती रहती है। और दुनिया के साथ साथ खासतौर से जो OIC के देश हैं, चाहे सऊदी हो या UAE हो, उनसे रिक्वेस्ट करती रहती है कि वो जम्मू कश्मीर के मामले में भारत पे दबाव डालें, इसमें दखल डालें। लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरह से सऊदी अरब ने, खासतौर से सऊदी अरब UAE ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे पर ध्यान देना कम कर दिया है। तो वहीं पर अभी इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके अंदर सऊदी अरब के एक मौलाना जो सीना ठोक करके सबके सामने ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर, खासतौर से जो कश्मीर एरिया है, वो हिंदुओं की ज़मीन है, हिंदू लैंड है। और जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का इस पर कोई अधिकार नहीं है जम्मू कश्मीर के ऊपर दावा करने की या इसके ऊपर बात करने की या बोलने की। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। क्यों करके ये सऊदी अरब ने महसूस किया कि नहीं, अब हमें कश्मीर के ऊपर उतना वोकली नहीं रहना, और इवन के इंडिविजुअली तो नहीं रहना, OIC को भी इस्तेमाल नहीं करने देना। भारत का अगर मैं सिर्फ असलो सुख आपको बयान कर दूं, या भारत की जो बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग है बयान कर दूं GCC और सऊदी अरब के साथ, तकरीबन 8.5 मिलियन जो भारतीय हैं, लोग हैं, वो GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जिसमें 6 मुल्क हैं उनके अंदर हैं। अच्छा, अगर इनका बायलैटरल रिलेशनशिप भी देखा जाए, तो जो है कि वो समझते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर है और हमें आइंदा इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट भी करना है, इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। सो ये चीज तो हमें समझ आ गई कि मिडल ईस्ट और मुस्लिम ममालिक ये समझते हैं कि इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, ना कि बायलैटरल ताल्लुकात, ना के मजहब, ना के हिस्टोरिकल रिलेशन, ना के कश्मीर, वो उनको इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। जो आलमी मंजरनामा है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में बीजेपी को इसी तरह नाकामी का मुंह देखना पड़ा, जिस तरह भारत के आम इंतखाबात में एग्जिट पोल्स के बाद उसे नाकामी मिली थी। सेठ साहब, अगर आप मुख्तसर बता सकें कि क्या होने जा रहा है। देखिए, जो कश्मीर में हुआ इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो खैर जाहिर है बीजेपी ने तो सिर्फ जम्मू में ही वोट मिले होंगे, मगर इंटरेस्टिंग ये है कि जो गवर्नमेंट बनने जा रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेख अब्दुल्ला की ओरिजिनल पार्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर इसमें दो चीजें बड़ी और भी ज्यादा है। एक ये कि PDF जो थी जी, मुफ्ती सईद साहब की, मुफ्ती साहब की जो पार्टी है वो पिछली इलेक्शन में काफी सारी सीटें थी उनकी, इस दफा बिल्कुल बहुत कम होगी। पहली बात ये, और कांग्रेस के साथ कांग्रेस के साथ उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस वाले बना लेंगे। आई थिंक दिस वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज कि आप फिर शिफ्ट होती जा रही है टू ट्रेडिशनल इंडियन पॉलिटिक्स। अच्छा, बिकॉज पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही होते थे द 90s एंड सो ऑन, जबकि ये जिहाद शुरू हो गई और मिलिटेंसी शुरू हो गई। मगर इसका एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, द रिवाइवल ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस
एंड कांग्रेस शोज के अब लोगों ने फैसला किया है कि इसी की तरफ हस्ब मामूल सेट में जाने की जरूरत है और स्टेबलाइज करने की जरूरत है। वो एक फेज था, वो खत्म हो गया, अब उस फेज के पीछे जाने की जरूरत नहीं, इसलिए जमात इस्लामी वगैरह इनको वोट शोट नहीं मिला। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के अंदर भी इससे स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा, अब इन इलेक्शन के रिजल्ट ने बता दिया कि चाहे इंजीनियर रशीद हो, चाहे दूसरे इस्लामिस्ट लीडर हों, उन सब के गुब्बारों से हवा निकल गई है। और मैंने उमर अब्दुल्ला का भी इंटरव्यू थोड़ी देर पहले सुना जो राजदीप और राहुल कमल के साथ था। मैं उमर अब्दुल्ला का ये पहला इंटरव्यू है जिससे मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा हम उनके साथ काम करेंगे, ठीक है हमारी पार्टी डिफरेंट है, लेकिन अगर जैसा कि हमें मैंडेट लोगों ने दिया है जम्मू कश्मीर की असम्बली में, तो हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, या शायद यूँ कहना चाहिए कि इससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आ ही नहीं सकते थे। बीजेपी को अभी कश्मीर वैली में बहुत काम करने की ज़रूरत है ताकि उनका इनरोड वहाँ पर बने, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए ये एक बड़ी फतह है जो कुछ हरियाणा के रिजल्ट्स आए हैं या जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 हटा उसके बाद से लेके अब तक कश्मीर के अंदर इलेक्शन का फैसला नहीं हो रहा था। फिर अब 2024 में जो इलेक्शंस हुए इसके रिजल्ट भी जो है बहुत ज्यादा शॉकिंग रहे क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने वहां पर एक इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आया, जिस तरह से उनको एक प्रोजेक्ट दिया, उनको $14 बिलियन का जो है उनको फंड दिया कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बीजेपी वहां विन नहीं कर पाई है। लेकिन सवाल ये भी यहां पे है कि कश्मीर में क्यों नहीं जीत पाए मोदी जी, क्या वजह? जीत और हार वो होता है, जैसे हम फेल एक नंबर से हो जाते हैं तो भी फेल होता है, और कोई टॉप एक नंबर से करता है तो वो भी टॉप होता है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री जी ने लोकतंत्र को और संविधान के दायरे में रह करके कश्मीर में इलेक्शन करवाया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर अगर केंद्र की सरकार चाहती तो कह देती कि अभी हम एक साल दो साल और नहीं इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन बियॉन्ड द संविधान जाना ये आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। 370 हटाया गया था जिसका फायदा जब कश्मीर के लोगों को हुआ और वो हमने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग के वक्त में वो हमें दिखा भी कि कभी 9% भी वोटिंग नहीं होती थी, पर इस बार हैट्रिक हुआ है। हाँ, कि जो के वोट पड़ा, हाँ के वोटिंग हुई है, पर इस बार जितने सुकून से वोटिंग हुई है वो बहुत बड़ी बात है।